नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, दूसरे टी20 मैच को लेकर इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर आज के मैच में टीम इंडिया के 9 खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। जी हां, आज दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के 9 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव कुणाल पांड्या के संपर्क में आए थे, जिसके वजह से इस 9 खिलाड़ियों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। दोस्तों, आपको बताएंगे पूरी खबर डिटेल से। अब क्या भारतीय टीम की प्लेइंग 11 आज के मैच के लिए होगी, बताएंगे पूरी जानकारी, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया आज दूसरे टी20 में श्रीलंका को हराए, तो इस वीडियो को लाइक करके भारतीय टीम का सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच बुधवार को खेला जाएगा। हालांकि पहले यह मुकाबला 27 जुलाई मंगलवार को खेला जाना था, मगर भारतीय खेमे से कुणाल पांड्या की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। अब दूसरा टी20 मैच बुधवार को और तीसरा मैच गुरुवार को खेला जाएगा। हालांकि सबसे बड़ी खबर यह है कि इस मुकाबले में 9 भारतीय खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। इनसाइड स्पोर्ट्स की खबर के अनुसार टीम इंडिया के सभी मुख्य खिलाड़ी पृथ्वी शाह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, सलामी बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल और कृष्णप्पा गौतम श्रीलंका खिलाफ टी20 मैच नहीं खेलेंगे। माना जा रहा है ये सभी कुणाल पांड्या के करीबी संपर्क में थे। उनके करीबी संपर्क में एक नाम की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कुणाल पांड्या के सबसे करीबी संपर्क वाले सभी 8 लोगों की पहली कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है और ये क्रिकेटर्स पूरी तरह से आइसोलेशन में हैं। लेकिन भारतीय टीम के लिए चिंता की बात यह है कि ये खिलाड़ी सीरीज के बाकी बचे दोनों मैच नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, टीम इंडिया आज पूरे नए खिलाड़ियों के साथ मैदान पर मैच खेलने उतरेगी, क्योंकि मैच को टाला नहीं गया है। तो ऐसे में जो खिलाड़ी अब तक बेंच पर बैठे हुए थे, इन सभी को आज मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कौन से 11 खिलाड़ियों के साथ आज भारतीय टीम मैदान पर उतरने वाली है। तो ओपनिंग में कप्तान शिखर धवन के साथ ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि तीसरे नंबर पर संजू सैमसन आज का मैच खेलेंगे। वहीं चौथे नंबर पर नीतीश राणा को मौका मिलेगा, जबकि पांचवें नंबर पर मनीष पांडे को शामिल किया जाएगा और छठवें नंबर पर कोई बल्लेबाज बचा ही नहीं है। तो ऐसे में दीपक चहर बल्लेबाजी करने आएंगे। वहीं बात करें गेंदबाजी में, तो भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, वरुण चक्रवर्ती, चेतन सकारिया, युजवेंद्र चहल और राहुल चहर आज का मैच खेलेंगे। तो दोस्तों, इन 11 खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया आज का मैच खेलने उतरेगी।